प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर पहले से ही बंद हो चुके हैं। अब प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि मंदिरों में भी कम जाएं, पास में बने मंदिरों पर पूजा अर्चना करें। देखें रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर पहले ही बंद हो चुके हैं। वही अब आस्था को लेकर भी प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि मंदिरों में कम ही जाएं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड ने चैत्र मेले को बंद कर दिया है और श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शनों के लिए नहीं आने को कहा है। वही माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक एवं नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने श्रद्धालुओं को अपने किसी नजदीकी मंदिर में ही जाकर पूजा अर्चना करने को कहा है। धार्मिक हमारे मेले हैं या रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाया है कि एक स्थान पर 200 से ज़्यादा व्यक्ति इस तरह के किसी भी गैदरिंग में ना हो। और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के प्रांगण में जो चैत्र मेले का आयोजन 10 मार्च से हो रहा है, इस एडवाइजरी को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी हिदायत दी जा रही है कि कोरोना वायरस के बचाव को ध्यान में रखते हुए इतनी भारी मात्रा में वहाँ ना आए। और मंदिर प्रशासन भी इसका ध्यान रखेगा कि अब आगे आगे जितने भी दिन बचे हैं चैत्र मेले के, उसमें कम से कम दर्शन रहें। और श्रद्धालुओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि वो अपने घर या अपने घर के आसपास किसी जहाँ भी वो अपनी श्रद्धा रखते हैं वहाँ चैत्र मेले को जाएँ और वहाँ अपना जो भी भावनाओं के अनुरूप है उसको मनाएं, ताकि यहाँ इतनी भारी मात्रा में आकर किसी भी तरह के संक्रमण और विशेष तौर से कोरोना वायरस का जैसा इस समय पूरे देश और विश्व में माहौल है उससे हम बचाव करें। वही रेवाड़ी के 200 साल पुराने मंदिर में कोरोना के चलते ताला लगा दिया गया है। शायद ये पहली बार होगा जब ऐसा किया गया। आपको बता दें कि यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से लोग आते हैं। प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया गया है। पुजारी और श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना से बचाव के उद्देश्य से मंदिर के द्वार बंद रखे गए हैं ताकि ज्यादा भीड़ एकत्र ना हो। प्रशासन की ये अच्छी पहल है, हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कोरोना के करके वायरस के चलते हुआ है कि भीड़ जितनी भी होती है उससे फैलता है वायरस, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पहल की जा रही सरकार इस चीज़ के लिए कि भाई भीड़ ना हो। और भीड़ वगैरह यहीं पे बाजार में, मार्केट में, मंदिर वगैरह, मस्जिद, हमारे हर चौकी धर्मस्थल है जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है उस चीज़ को रोकने के लिए किया जाए। प्रशासन ने, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, ये मुहिम जारी की लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए। और ऐसा नहीं कि थोपा जा रहा किसी पे, जितना अपने स्वास्थ्य के लिए मानेंगे मतलब सबके लिए बेहतर होगा। हम हर मंगलवार को मंदिर में आते हैं, लेकिन आज कोरोना की वजह से मंदिर बंद है। हमें नहीं पता था क्या मंदिर बंद होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल की गई है कि भाई कोरोना के वायरस को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए मंदिर बंद किया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम घर बैठकर प्रार्थना करेंगे कि सभी स्वस्थ रहें। वही दूसरी ओर मंदिर के बाहर प्रसाद विक्रेता का कहना है कोरोना कारण मंदिर बंद कर दिया गया है, इससे दुकानदारी पर काफी असर पड़ेगा। कोरोना वायरस कारण ये सारे मंदिर बंद है, पूरे इंडिया के मंदिर बंद है, प्रशासन का आदेश है। और अच्छा है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जब हर मंगलवार कितने लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु संख्या बहुत है, हजारों संख्या आते हैं, हजारों। प्रशासन के आदेश से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो आज के दिन बहुत बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको लोगों को जागरूकता करने के लिए, क्योंकि हम मंदिर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो उससे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो कोरोना जो ये वायरस चल रहा है, ये बीमारी का प्रकोप एक दूसरे को लग भी सकता है, इसको सूचित करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और आज ये मंदिर बंद रखा गया है। और जनहित में प्रशासन ये आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करो। शायद ये पहली बार ही होगा जब किसी बीमारी के चलते सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसे फैसले किए गए हैं। प्रदेश में सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है, जिससे भी वायरस के फैलने का डर है उस पर सरकार की पूरी निगरानी है। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर और रेवाड़ी से श्याम बाटला, टोटल न्यूज़।